पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने एसडीओ दफ्तर में पूरी प्रक्रिया के साथ अपना पर्चा भरा। इस बीच भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी भी आज नंदीग्राम पहुंचे हैं और अपने नए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया है। अधिकारी 12 मार्च को इस सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं सीएम ममता ने इससे पहले शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, उसके बाद उन्होंने वहां जलाभिषेक भी किया। वहीं दूसरी ओर रोड शो से पहले भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हनुमान जी के मंदिर जाकर माथा टेका। ममता को बाहरी व्यक्ति बताते हुए अधिकारी ने उन पर तंज भी कसा। इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना वोट तक नहीं डाल सकती क्योंकि वो वहां बाहरी व्यक्ति हैं। हालांकि इन सब के बीच सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम में आज नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। इस दौरान एसडीओ दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खेला होबे का नारा भी लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हुआ। वहीं इन सब के बीच एक बात जो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि ये लड़ाई अभी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी और ममता के बीच अहम की है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ जीत किसकी होती है, क्योंकि अब की नंदीग्राम बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है साल 2011 के तहत।